आइए हम बताते हैं कैसी लगी दर्शकों को बागी एक योद्धा की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको ये बता दें कि YouTube पर जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इस फिल्म ने एक दिन में 3.7 मिलियन व्यूज हासिल किए थे, यानी कि एक दिन में इसको 37 लाख लोगों ने देखा था, जो किसी भी भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक उसी तरह इस फिल्म के बारी बारी से गाने यूट्यूब पर रिलीज़ किए गए, जिसे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला। आपको बता दें कि फर्स्ट शो खत्म होते होते जब पब्लिक थिएटर से बाहर आ रही थी तो खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। साथ ही साथ सभी दर्शक ये कह रहे थे कि खेसारी की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में खेसारी का एक्शन और इस फिल्म में खेसारी के जो डायलॉग हैं लोगों को बहुत पसंद आए। आपको बता दें कई फिल्म में ऐसी सीन है जहां पर देशभक्ति की भावना जागती है। यह फिल्म एक साथ कई राज्यों में रिलीज हुई, मुंबई, गुजरात, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल, इन सभी जगहों पर यह फिल्म रिलीज़ हुई। और रिलीज़ होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल गया है। जहां जहां यह फिल्म रिलीज़ हुई है, यहां तक कि बिहार में आपको बता दें कि इस वक्त बाढ़ का माहौल है, लेकिन फिर भी वहां के सभी शोज़ हाउसफुल गए हैं। यह खेसारी लाल यादव की अब तक की रिलीज़ हुई फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग है। बताया जा रहा है कि मुंबई से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर झारखंड सभी दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म में खासकर सभी को काजल राघवानी का ग्रे शेड कैरेक्टर तो अच्छा ही लगा, साथ ही साथ खेसारी लाल यादव का फौजी वाला लुक भी लोगों को बहुत पसंद आया। एक्शन, डांस, रोमांस, गाना सभी के सभी बेजोड़, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यह फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आगाज़ है। आगे अभी कई दिन बाकी हैं, वीकेंड आने को है और हो सकता है कि यह फिल्म बहुत बड़ा धमाल करे और खेसारी लाल यादव के इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।